चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लेक्जिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास स्मॉल m सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m एज शोन इन द फिगर। द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज गिवन बाय, तो ये जो मास है अर्थ इसको खींचेगी ग्रेविटेशन फोर्स लगा के m into g। इस पुली का मास स्मॉल m है तो उसको भी ग्रेविटेशन फोर्स लगा के अर्थ इसको खींचेगी m into g। थ्रेड में जो टेंशन होगा t होगा, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, क्योंकि एक ही थ्रेड है तो थ्रू आउट टेंशन सेम होता है। लेकिन इस साइड में टेंशन दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, इसमें भी टेंशन इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो पुली पे जो है अगर देखा जाए, पुली के थ्रू जो फोर्सेज लग रहा है m into g इधर लग रहा है सेंटर ऑफ मास से, m into g स्मॉल m into g ये लगेगा। एक थ्रेड में टेंशन T इधर लगा, अच्छा ये ध्यान रखना है थ्रेड में जो टेंशन है यही mg के इक्वल होगा। ये जो mg ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना ब्लॉक, अगर इस कैपिटल M वाले ब्लॉक का FBD बनाएंगे तो कैपिटल mg नीचे लग रहा ऊपर T है, तो इट मींस T इज इक्वल टू mg हुआ, ये इक्वल होगा क्योंकि रेस्ट पे है। तो सिमिलरली पुली पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, थ्रेड के थ्रू ये ब्लॉक लगा रहा है थ्रेड के थ्रू पुली पे, नीचे की तरफ जो थ्रेड में टेंशन है लग रहा है वो भी mg के इक्वल होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर पुली का FBD बनाए तो दो फोर्स नीचे लग रहा है, एक स्मॉल mg एक कैपिटल mg, और एक थ्रेड में टेंशन T लग रहा है इधर लेफ्ट साइड में, वो भी mg के इक्वल है, ये भी थ्रेड का टेंशन ही है जो mg के इक्वल है। तो अगर नेट फोर्स की बात की जाएगी जो पुली लगाएगा क्लैंप पे, ध्यान रखना ये फोर्स जो लगेगा, ये फोर्स के जो एफ नेट यहां से हम निकालेंगे, यहां से एफ नेट हम निकालेंगे, ये पुली लगाएगी क्लैंप पे, तो इसका एक्शन का रिएक्शन उल्टा, क्लैंप लगाएगा पुली पे, क्लैंप लगाएगा पुली पे, ये फोर्स ऑन क्लैंप, ये है फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली है, सॉरी उल्टा लिख दिया, फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली ये वाला है, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप ये होगा, ये वाला होगा, ये वाला फोर्स, तो ये जितना ये फोर्स होगा उतना ये होगा। तो हम लोग जो एफ नेट की बात ये कर रहे हैं, ये फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली है, ठीक है, पुली लेन लगाया क्लैंप पे, तो ये निकाल लो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं एफ नेट, एफ नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस और टी प्लस एम जी का होल स्क्वायर ही होगा। अब एफ नेट ही आपका क्या है, फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली का स्क्वायर ये होगा, तो फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू भी mg के इक्वल है तो mg का स्क्वायर और टी की वैल्यू फिर से कैपिटल mg और इनटू स्मॉल m इनटू g का होल स्क्वायर। अगर फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली का स्क्वायर अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस, अगर इस g कॉमन ले लें तो m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इनटू g स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, क्लैंप ड्यू टू पुली का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं सीधे, इसको इरेज कर देते हैं स्क्वायर को, और जी को कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो स्क्वायर होगा, कॉमन लेंगे स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर आएगा तो जी आ जाएगा। तो ये फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली है, तो फोर्स ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप कितना होगा, वो भी इतना ही होगा, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप की वैल्यू फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली के इक्वल होगा, और वो वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस स्मॉल एम होल स्क्वायर इनटू जी बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, ध्यान रखना रूट से बाहर निकाल लिया था ना हम लोगों ने। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसको बाहर कर दो जी के, ये टाइपिंग मिस्टेक हमको लग रहा है, ये रूट अंदर नहीं होगा, ये मतलब जी के अंदर ये नहीं है, जी बाहर है रूट के बाहर है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।